जय हिंद। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12 स्टूडेंट के लिए, जो 2024 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा नामकिंग की संधि और तिएनसिन की संधि के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2024 एग्ज़ाम के लिए। मेरा ये यूट्यूब चैनल उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो स्टूडेंट ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी वजह से उन्हें अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए कहीं पर काम करना पड़ता है, कहीं पर जॉब करना पड़ता है, लेकिन वो जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि एक निश्चित समय पर वो रेगुलर ट्यूशन जा सके, क्योंकि उस टाइम पर वो हो सकता है कि अपने जॉब पर जाते हैं। तो उनके लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है और उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा मेरे चैनल से, ए टू जेड उनका आर्ट्स का पूरा तैयारी मैं करा दूंगा, हर एक सब्जेक्ट का। अभी मैं हिस्ट्री लेकर चल रहा हूँ। इसके पहले मैं एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ, वो भी इतिहास का ही है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 हिस्ट्री, वहाँ पे आप जाकर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि नामकिंग की संधि और तिएनसिन की संधि के बारे में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसको समझ लेते हैं। इसके पहले इसका जो इन संधियों का बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ये जो संधि हुई थी ब्रिटेन और अंग्रेज के बीच, ये दोनों संधियाँ ही ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। और ये क्यों वैसा हुआ था, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज एक नंबर का हरामी थे, उनका सिर्फ एक ही काम था कि दूसरे देश पर अपना अधिकार, व्यापारिक अधिकार कर लेना और वहाँ से ज़्यादा लाभ कमाकर अपने देश में ले जाना। वो चीन में भी अफीम की व्यापार कर रहे थे और अफीम के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि अफीम एक नशीला पदार्थ है, इसे कोई भी खाकर उसे नशा हो जाता है और नशा में इंसान बहुत ही अलग अलग किस्म का गलत गलत काम करने लगते हैं या उनके अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है, युवा पीढ़ी पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है उस नशा के चपेट में आकर। और ये अंग्रेज थे ना, चाहते थे कि चीन में अफीम की वो व्यापार लगातार करते रहे। इस अफीम के व्यापार को रोकने के लिए ही चीनी सरकार ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आक्रमण किया था और बैड लक के वजह से वो हार भी गए थे और इसी हार के वजह से उन्हें नामकिंग की संधि और तिएनसिन की संधि करनी पड़ी थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नामकिंग की संधि और तिएनसिन की संधि क्यों हुई थी। अब चलिए इनके बारे में इनकी कुछ शर्तों को पढ़ लेते हैं कि इन संधियों में क्या बताया गया था। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये, आप वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चन आप उतार भी सकते हैं। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए नामकिन संधि की शर्तें क्या क्या थी, चलिए उसको देखते हैं। चीनी इतिहासकार वांग डांग का कहना है कि असमान संधि की बात बहुत दिनों से प्रचलित है, ठीक है, व्यापक रूप से व्यवहारित होने पर भी इसके स्पष्ट अर्थ का अभाव है। इसके बाद भी अधिकतर इतिहासकार चीन से की गई संधियों को अपमानजनक एवं आरोपित मानते हैं। इन संधियों का वर्णन निम्न रूप में है। देखिए नामकिन की संधि, अपने लाख प्रयास के बाद भी चीनी प्रथम अफीम युद्ध में पराजित हुए, देखिए अफीम युद्ध हुआ था, प्रथम अफीम युद्ध, और अंग्रेजों के आक्रमण से अपने बंदरगाह को बचा नहीं सके। अपने को दयनीय स्थिति में देख चीनियों ने अंग्रेजों से नामकिन की संधि 1842 ईस्वी में की थी। इस संधि की प्रमुख शर्तें थी, देखिए शर्तें देखिए, नंबर वन, चीन अपने 5 बंदरगाहों जिसका नाम दिया है कैंटन, एमन, फुचाऊ, निंगपो एवं संघाई को अंग्रेजों के लिए खोल देना पड़ा, अतः
इसे बंदरगाहों की संधि भी कहा जाता है, माने 5 बंदरगाह अंग्रेजों को लिए खोल देना पड़ा, ओके, कि वो अंग्रेज बिना बेरोक टोक से आराम से व्यापार कर सके इस इन बंदरगाहों से। यहाँ उल्लेखनीय है कि विदेशियों के दबाव में चीन को अन्य बंदरगाह भी विदेशियों के लिए खोलने पड़े, ऐसे सभी बंदरगाहों को संधि बंदरगाह कहा गया है। ठीक है, दो नंबर देखिए, दो नंबर में क्या बोला जा रहा है कि हांगकांग बंदरगाह अंग्रेजों के लिए छोड़ दिया गया। तीन नंबर, लिन द्वारा नष्ट की गई अफीम के बदले चीन को 21 बिलियन डॉलर की क्षतिपूर्ति करनी पड़ी। सोच सकते हैं 21 बिलियन डॉलर कितना रुपया हो सकता है। चार नंबर देखिए, चीनी सरकार आयात और निर्यात पर न्यायिक और एक समान कर लगाने के लिए तैयार हो गई। माने पहले क्या था कि जब कोई दूसरा देश दूसरे देश में व्यापार करने जाता है तो उसके सामान के ऊपर ज़्यादा टैक्स लग जाता है, कर लग जाता है, लेकिन इस संधि के माध्यम से चीनी सरकार को अब अंग्रेजों के लिए भी उतना ही कर लेना पड़ता था जो उनके देसी व्यापार या सामानों पर लगता था। ओके, आप देख सकते हैं। पाँच नंबर, चीनी व्यापारिक संस्था कुहांग को समाप्त कर दिया गया। उनका एक व्यापारिक संस्था थी कुहांग, उसको नष्ट कर दिया गया। इस संधि का एक महत्व यह भी है कि इससे चीन का एकाकीपन समाप्त हो गया। ओके, और सात नंबर, गैर कानूनी अफीम व्यापार कानूनी हो गया। माने जो अफीम गैर कानूनी था चीन में, अब वो कानूनन रूप से उसका कानूनन रूप दे दिया गया इस संधि के माध्यम से। देख रहे हैं इस संधि की शर्तें क्या क्या थी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तियानशिन की संधि। ये भी अफीम को ही लेकर हुआ था, ये भी अंग्रेजों के साथ और चीन के साथ ये संधि की गई थी। चलिए इसको देख लीजिए कि तियानशिन की संधि की जो प्रमुख प्रावधान थे उसका चर्चा कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2024 एग्जाम के लिए, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तियानशिन की संधि, प्रथम अफीम युद्ध में यूरोपियों ने चीन की कमजोरियों को पकड़ लिया था। ठीक है, अभी जो तियानशिन की संधि के बारे में आप पढ़ रहे थे तो प्रथम अफीम युद्ध के बाद हुआ था। उनका विश्वास था कि शक्ति प्रयोग द्वारा चीन सरकार से अनेक सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है, अतः व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने की ओट में माने लालच में वे अपनी शक्ति विस्तार की नीति अपनाने लगे। इससे चीन एवं यूरोपीय देशों में कटुता और बढ़ गई। ब्रिटेन ने आरोप लगाया कि चीनियों ने उनके राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया है। ये अंग्रेज इतने माने क्रूर टाइप के थे ना कि वो कुछ भी बोलकर किसी को नष्ट कुछ भी करने के लिए वो लोग तैयार रहते थे, किसी का क्षति पहुंचाने के लिए कुछ भी बोल देते थे। यूरोपीय व्यापारी चाहते थे कि अफीम का व्यापार चीन में वैध बना दिया जाए, वैध हो जाए, माने एकदम बेरोक टोक ये लोग वहाँ पर व्यापार कर सके। उसके बाद फलतः विवाद बढ़ते बढ़ते 1856 ईस्वी में द्वितीय अफीम युद्ध छिड़ गया। ब्रिटिश सेना ने कैंटन बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। फ्रांस की सेना भी उनकी मदद में शामिल थी। ब्रिटिश एवं फ्रेंच सेनाएं तियानशिन तक पहुंच गई। चीन की सरकार घबरा गई और उसने तियानशिन की संधि वार्ता जो 1858 ईस्वी में शुरू की, तियानशिन की संधि शर्तों को चीन का सम्राट मानने को तैयार ही नहीं हुआ। फलतः ब्रिटेन फ्रांस की संयुक्त सेना राजधानी पेकिंग तक पहुंच गई। मंचू सम्राट को पेकिंग छोड़कर भागना पड़ा। परिणाम स्वरूप 1860 ईस्वी में संधि द्वारा द्वितीय अफीम युद्ध को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये दो मैंने आपको तियानशिन और नामकिंग की संधि के बारे में समझाया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से मेरे को बताइए, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और मैं आपको लगातार इसी तरह पढ़ाते रहूँगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।